अस्सलाम वालेकुम इरबाज साकिब पीपल के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि प्रीवियस 3 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, आज एपिसोड नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे सेक्टर सी को। जैसा कि ये सेक्टर्स मैंने अपने आसानी के लिए डिवाइड किया था इन सेक्टर्स को ए बी सी, तो ये सेक्टर सी जो स्टार्ट होता है वो स्ट्रीट नंबर 32 से स्टार्ट होकर स्ट्रीट नंबर 46 तक वेरी करता है, और इसी तरह रोड नंबर जो है 13 से स्टार्ट होकर रोड नंबर 18 तक इसमें विलाज हैं। तो इस जो सेक्टर सी में कितने विलाज रेडी हो गए हैं, और सेक्टर सी में एक सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिव चीज़ है, यहाँ पे जामा मस्जिद बैरिया ने बना दी है, और जामा मस्जिद आलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसका भी विज़िट करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं रोड नंबर 9 पे। रोड नंबर 9 जो है वो हमने जो सेक्टर ए का विज़िट किया था उसमें 1 से लेकर 11 तक विलाज रोड नंबर 9 के हमने कवर किए थे। ये कॉर्नर का विला है 12 नंबर मेरे लेफ्ट साइड पे, 12 से लेकर 18 तक विलाज हैं जो रोड नंबर 9 के विलाज हैं। और मेरे राइट साइड पे जो ओपन स्पेस छोड़ी गई है ये प्ले ग्राउंड की स्पेस है। रोड नंबर 9 से हम इंटर होंगे रोड नंबर 13 पे, और ये 13 का विला नंबर 26 है कॉर्नर का, रोड नंबर 13 का 26 नंबर कॉर्नर का विला है। और ये राइट साइड पे जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो आपको नज़र आ रही है ये ओपन स्पेस, ये प्ले ग्राउंड एरिया की ओपन स्पेस है। रोड नंबर 13 पे विला नंबर 1 से लेकर 26 तक है, 1 नंबर कॉर्नर का विला है, 17 नंबर सेमी कॉर्नर विला है, और 18 नंबर सेमी कॉर्नर है, 20 नंबर भी सेमी कॉर्नर विला है इसमें, और इसी तरह 21 नंबर भी सेमी कॉर्नर विला है। तो अब हम इंटर होंगे रोड नंबर 13 से, जैसे राइट टर्न लेते हैं तो स्ट्रीट नंबर 32 का विला आ जाते हैं। ये 1 नंबर कॉर्नर का विला है स्ट्रीट नंबर 32 का, स्ट्रीट नंबर 32 के 5 विलाज हैं जो कि प्ले ग्राउंड फेसिंग विलाज हैं, और ये ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं। इनमें कोई अप्रोक्सीमेटली 10 माह से 1 साल का टाइम लगेगा रेडी फॉर पोजेशन होने के लिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और लेबर काम कर रही है। स्ट्रीट नंबर 32 से हम जब एग्ज़िट होंगे तो हम रोड नंबर 18 पे एग्ज़िट होंगे, और इसी तरह अपोजिट साइड पे हमारे रोड नंबर 8 है उसके विलाज हैं, और स्ट्रीट नंबर 32 से एग्ज़िट हुए रोड नंबर 18 पे हम मौजूद हैं। रोड नंबर 18 से हम अगर लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो हम स्ट्रीट नंबर 33 में इंटर हो जाते हैं। स्ट्रीट नंबर 33 में इंटर होते ही मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं जो 7 से लेकर 12 तक विलाज हैं, और इसी तरह 1 से लेकर 6 तक जो हैं ये मेरे राइट साइड पे विलाज हैं। ये भी ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं, मैक्सिमम टाइम 1 साल का है यहाँ पे, और इसमें ये है कि काम हो रहा है। मे बी बैरिया डे नाइट काम करता है तो ये कोई 6 माह के अंदर भी तैयार हो जाए, पर एक्सपेक्टेड टाइम 1 साल काम लगा लेंगे। ये वही 17 और 18 नंबर विला जो मैंने सेमी कॉर्नर का आपको बताया। हम रोड नंबर 13 पर आ गए फिर से। अब रोड नंबर 13 से हम जब इंटर होंगे दोबारा हम राइट टर्न लेंगे तो हम स्ट्रीट नंबर 34 पे इंटर होंगे। स्ट्रीट नंबर 34 पे इंटर हो गए तो ये विला नंबर 1 से लेकर 8 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं, और इसी तरह 9 से लेकर 16 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं। 1 नंबर विला कॉर्नर है, इसी तरह स्ट्रीट नंबर 33 में 6 नंबर विला, स्ट्रीट नंबर 34 में 8 नंबर विला कॉर्नर है, 9 नंबर विला कॉर्नर है, और 16 नंबर विला कॉर्नर है स्ट्रीट नंबर 34 में। अंडर कंस्ट्रक्शन ये विलाज हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम अपने माइंड में रखिएगा, इसका पोजेशन बैरी आपको 1 साल के अंदर देगा। ये जो स्ट्रीट टूर हम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, किया है हमने एपिसोड वाइज, तो अक्सर लोग जो ओवरसीज़ हैं या आउट ऑफ सिटी हैं तो वो लोग यहाँ पे डील्स करते थे, तो उन्हें पता नहीं होता था कि रेडी विला करके भी उन्हें बेच दिया जाता था। तो जब विज़िट करते हैं तो आके देखते हैं तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज होते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 35 में हम इंटर हुए हैं रोड नंबर 18 से। स्ट्रीट नंबर 35 में मेरे जो लेफ़्ट साइड पर विला नंबर 9 है, ठीक है, और इसी तरह 1 से लेकर 9 तक विलाज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 10 से लेकर 19 तक जो विलाज हैं ये रेडी हो चुके हैं, ये रेडी फॉर पोजेशन है 10 से लेकर 19 तक विलाज। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे मैंने बताया आपको स्ट्रीट 35 में 1 से लेकर 9 तक विलाज हैं, ये भी कोई 6 माह और 8 माह का टाइम है, यहाँ पे भी तकरीबन कंप्लीट होने को है काम, लेबर काम कर रही है यहाँ पे, तो हम 6 माह से 8 माह का टाइम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इसमें। और हम एग्ज़िट करेंगे फिर उसी तरह रोड नंबर 13 पे।
स्ट्रीट नंबर 35 से। अब रोड नंबर 13 लिंक करती है आगे रोड नंबर 15 को भी। इसी तरह मैं राइट साइड पे अगर टर्न लूँगा तो राइट साइड पे मेरे आ जाता है रोड नंबर 14। और ये लेफ़्ट साइड पे जो हैं विलास प्रीसेंट 31 के विलास हैं, ठीक है। और इसी तरह ये सामने जो रोड जा रहा है ये रोड नंबर 15 है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसे रोड नंबर 15 को विज़िट कर लेते हैं। और रोड नंबर 14 अगर मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊं तो ये रोड नंबर 14 ये वही रोड है जो लिंक आ रहा है सामने जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के अपोजिट साइड पे जो विलाज हैं वो कॉर्नर का विला जो है वो बैरिया का जो मॉडल विला है। तो हम पहले रोड नंबर 15 को विज़िट कर लें, उसके बाद फिर हम दूसरा तरतीब वाइज हम स्ट्रीट नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। रोड नंबर 15 में जो विलाज हैं ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो विला है विला नंबर 66 है। 1 से लेकर 66 तक जो विलाज हैं ये वेस्ट ओपन विलाज हैं प्रॉपर रोड नंबर 15 के। और इसी तरह 67 नंबर कॉर्नर के विला था राइट साइड जहाँ से हमने इंटरेस्ट ली थी। 67 से लेकर 124 तक विलाज हैं ये ईस्ट ओपन विलाज हैं, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज हैं। 60 फीट वाइड रोड है और मैक्सिमम टाइम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 10 माह का टाइम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे बैरिया पोजीशन दे देगा। तो ये रोड नंबर 15 के विलाज हैं, इनमें सेमी कॉर्नर विला जो आता है वो 48 नंबर सेमी कॉर्नर विला है मेरे लेफ्ट साइड पे, 49 नंबर सेमी कॉर्नर, और मेरे राइट साइड पे जो विला सेमी कॉर्नर है वो 87 और 88 नंबर सेमी कॉर्नर विला है। जो रोड नंबर 15 में विलाज रेडी हो चुके हैं वो नंबरिंग मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो स्टार्टिंग की नंबरिंग है इनमें कुछ विलाज हैं जिसमें बैरिया पोजीशन हैंड ओवर कर देगा आइंदा आने वाले कोई 2-4 माह के अंदर आपको। ट्वेंटी थ्री और 24 नंबर विला भी सेमी कॉर्नर विला है। रोड नंबर 15 काफ़ी बड़ा रोड है बैरिया स्पोर्ट सिटी विलाज में अगर नंबरिंग के लिहाज से हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा अगर नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही है तो वो रोड नंबर 15 में ही हो रही है, और सबसे बड़ा रोड भी यही है जो इतने विलाज को कवर करता है एक ही रोड। ये मेरे राइट साइड पर जो विला आ रहे थे वो 110 से लेकर 124 तक, ये कोई 2-4 माह के अंदर रेडी हो जाएंगे। और इसी तरह 1 से लेकर विला नंबर कोई 20 तक जो विला है ये भी 2-4 माह के अंदर बैरिया पोजीशन हैंड ओवर कर देगा। इनका भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है जिसमें, और हम एक्सपेक्ट जो टाइम कर रहे हैं और इसी टाइम के अंदर ही बैरिया आपको पोजीशन हैंड ओवर कर देगा। अब रोड नंबर 15 से हम एग्ज़िट होंगे, ये रोड नंबर 15 लिंक करता है सामने मेन रोड नंबर 1 को, और रोड नंबर 1 से आगे हम मेन जना एवेन्यू की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये रोड नंबर 1 पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम विज़िट करते हैं रोड नंबर 16 को। रोड नंबर 16 से हम इंटर होते हैं तो रोड नंबर 16 का जो मेरे लेफ्ट साइड पर विला नंबर 1 से लेकर 5 तक जो विला है ये तैयार विला हैं, ये 2 माह के अंदर पोजेशन मिल जाएगा। अब 6 से ऑनवर्ड जो है रोड नंबर 16 के विलाज जो है ना 29 और 44 तक ये ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं, इनमें बैरिया पोजेशन देगा कोई 8 माह 10 माह के अंदर। और ये इसी तरह ये सामने जो एरिया नज़र आ रहा है ये पार्क का एरिया है, यहाँ पे बैरिया ने पार्क दिया 1.64 एकड़ का। और ये मेरे राइट साइड पर स्ट्रीट नंबर 46 है, और 46 के विला नंबर 1 से स्टार्ट होकर विला नंबर 58 तक विला वेरी करते हैं। तो ये भी ग्रे स्ट्रक्चर विला है, इन ये भी स्ट्रीट कह सकते हैं काफ़ी लंबी स्ट्रीट है जिस तरह रोड 15 की बैक साइड है स्ट्रीट नंबर 46। बस इसमें ये है कि सिर्फ एक रो में विला है, बाकी फिर ये लिंक आ रही है स्ट्रीट 36, 7, 8, 9, 32, इस तरह इन सारी स्ट्रीट्स को लिंक करता है ये स्ट्रीट नंबर 46 भी। तो ये स्ट्रीट नंबर 46 भी प्रॉपर वेस्ट ओपन विलाज हैं 1 से लेकर 58 तक, जिसमें सेमी कॉर्नर विलाज जो हैं वो 4 हैं और 4 ही कॉर्नर के विलाज हैं। 14 नंबर 15 नंबर सेमी कॉर्नर विला स्ट्रीट नंबर 46 में, इसी तरह 37 और 38 नंबर विला जो है सेमी कॉर्नर का विला है स्ट्रीट नंबर 46 में, 1 नंबर कॉर्नर का विला है, 24 नंबर कॉर्नर का विला है स्ट्रीट 46 में, इसी तरह स्ट्रीट 46 में जो कॉर्नर के विला 2 और हैं वो 25 नंबर विला कॉर्नर का है और 58 नंबर विला कॉर्नर का है। स्ट्रीट नंबर 46 जो लिंक करेगी आगे जाकर
रोड नंबर 14 को, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। रोड नंबर 14 से हम इंटर भी हुए थे रोड नंबर 15 की तरफ। और ये रोड नंबर 14 जो लिंक आ रही है सेक्टर ए, मतलब कि वो जहाँ पे बैरियर का मॉडल विला है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं। तो ये आपको भी जामा मस्जिद का दिखा देते हैं कि कितना काम हो चुका है और कितनी तेज़ी से यहाँ पे काम कर रहा है बैरिया। विलास, स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं, इनमें सिर्फ ये जामा मस्जिद है जो भी रेडी फॉर पोजेशन होगी सबसे पहले। बाय टाइल का काम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कोई 8 माह के अंदर इसका पोजेशन जो बैरिया दे देगा और नमाजियों के लिए ओपन कर दी जाएगी ये मस्जिद। हम रोड नंबर 14 पर ट्रैवल कर रहे हैं। रोड नंबर 14 में 1 से लेकर 11 तक विलाज हैं जो कि मस्जिद फेसिंग और कमर्शियल फेसिंग विलाज हैं। रोड 14 पे 1 से 11 तक जो विलाज हैं ये रेडी फॉर पोजेशन विलाज हैं। ये अब हमने इंटर हुए हैं रोड नंबर 17 पे। रोड नंबर 17 से हम इंटर होंगे स्ट्रीट नंबर 36 में। मेरे लेफ़्ट साइड पे टर्न लेते ही स्ट्रीट नंबर 36 के विलाज आते हैं। 1 से लेकर 8 तक विलाज हैं स्ट्रीट नंबर 36 के। ये भी बिल्कुल तैयार विलाज हैं, आप इसका पोजेशन अप्लाई करें, बैरी आपको 1 माह के अंदर इसका पोजेशन दे देगा। अब 36 से हम एग्ज़िट होंगे तो हम फिर आ जाएंगे स्ट्रीट नंबर 46 में। सामने 55 नंबर विला, इसी तरह 54 नंबर विला। अब स्ट्रीट नंबर 46 से हम जब राइट टर्न लेंगे तो हम स्ट्रीट नंबर 37 में इंटर हो जाएंगे। स्ट्रीट नंबर 37 में इंटर होते ही मेरे लेफ़्ट साइड पे जो विला नंबर 1 है कॉर्नर का विला है, और 1 से लेकर 8 तक कॉर्नर के विला है मेरे लेफ़्ट साइड पे। और मेरे राइट साइड पे जो विलाज हैं स्ट्रीट नंबर 37 के, वो हैं 10 से लेकर 17 तक। ये विला जो हैं 10 से लेकर 17 तक ये तैयार हैं, रेडी फॉर पोजेशन है, इसका पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्ट्रीट नंबर 37 से हम ये एग्ज़िट कर रहे हैं स्ट्रीट 37 से रोड नंबर 17 पे। और ये सामने हमारे जो विलाज हैं वो रोड 2A के विलाज हैं, ये मॉडल विला वाले जो हैं विलाज हैं सारे। ये ओपन स्पेस छोड़ी गई बैरी की तरफ से। और ये रोड नंबर 17 से हम फिर इंटर होंगे स्ट्रीट नंबर 38 में। लेफ्ट पे टर्न लेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग होते हैं विला नंबर 12। टोटल विलाज यहाँ पे हैं स्ट्रीट नंबर 38 में, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 21 तक। लेफ्ट पे जो है 12 से 21 तक विलाज हैं, मेरे राइट साइड पे 1 से लेकर 11 तक विलाज हैं। जो 12 से 21 तक विलाज हैं इनमें पोजेशन मिल जाएगा कोई एक्सपेक्टेड है 4 से 6 माह के अंदर। और इसी तरह 1 से जो 11 तक विलाज हैं इनमें एक्सपेक्टेड है कोई 8 माह तक पोजेशन मिल जाएगा। 12 से 21 तक विलाज हैं ये जो हैं तैयार ज़्यादा हो चुके हैं, इनमें अभी काम कम हुआ है। तो ये फिर वही हम एग्ज़िट होंगे तो स्ट्रीट नंबर 46 आएगी हमारे सामने। स्ट्रीट नंबर 46 से फिर हम इंटर होंगे तो स्ट्रीट नंबर 39 में इंटर लेंगे हम। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे स्ट्रीट नंबर 39 में, तो ये सामने जो मेरा विला है वो विला नंबर 1 कॉर्नर का विला है। इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड दी गई है, तो कॉर्नर के एक्स्ट्रा विलाज एक्स्ट्रा लैंड काफ़ी होती है बैरिया की तरफ से। और 1 से लेकर 25 तक विलाज हैं। 1 से 13 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं और 14 से 25 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं। तो ये विलाज जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसे भी हम, 1 साल का टाइम अप्रोक्सीमेटली लगेगा इनको भी तैयार होने में। काम यहाँ पे भी हो रहा है, टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं इन विलाज में। बाकी जो सैनिटरी का काम है या यहाँ पे कोई वुड का काम है वो भी बाकी है। फिर हम रोड नंबर 17 पे एग्ज़िट होते हैं, इंटरेस्ट लेंगे हम स्ट्रीट नंबर 40 की तरफ। स्ट्रीट नंबर 40 भी
जिस तरह बैक में हमने अभी विज़िट किया वही है कि एक साल का टाइम अप्रोक्सीमेटली लगेगा यहाँ पे रेडी फॉर पोजेशन होने में विलास का। लेफ़्ट साइड पे 15 से 27 तक विलास हैं और मेरे राइट साइड पे 1 से 14 तक विलास हैं। यहाँ पे काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है स्ट्रीट नंबर 40 में भी। स्ट्रीट नंबर 40 से हम एग्ज़िट करेंगे स्ट्रीट नंबर 46 में फिर से, और फिर हम राइट टर्न लेंगे 46 स्ट्रीट से स्ट्रीट नंबर 41 में। स्ट्रीट नंबर 41 के जो विलाज हैं ये भी अभी ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं, ये भी कोई एक साल का टाइम तो मिनिमम लगेगा इन्हें रेडी फॉर पोजेशन होने में। स्ट्रीट नंबर 41 में 1 नंबर विला से लेकर 31 नंबर विला तक जो विलास की नंबरिंग वेरी करती है, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर विलास हैं। तो पाइपलाइन वगैरह सारी बिछा दी है, सेवरेज का काम हो चुका है, जो फाइनल टचअप या फिनिशिंग है इनकी रिमेनिंग है अभी। टाइल्स वगैरह किसी विला में लग चुकी है और कुछ विलाज हैं जहाँ पे भी टाइल्स नहीं लगी, बाकी फाइनल जो इसका पेंट है वो रिमेनिंग है। बाहर के अभी वुड का काम है और इसी तरह एल्युमिनियम का काम रिमेनिंग है इसमें। फिर हम रोड नंबर 17 पे इंटर होते हैं। रोड नंबर 17 से जब हम इंटर होने के बाद स्ट्रीट नंबर 42 पे लेफ्ट टर्न लेते हैं, स्ट्रीट नंबर 42 में इंटर हो जाते हैं, 17 से एग्ज़िट करेंगे। स्ट्रीट नंबर 42 में भी जो विला नंबर 1 से 17 तक है मेरे राइट साइड पे हैं और इसी तरह 18 से 34 तक है मेरे लेफ्ट साइड पे हैं। इन स्ट्रीट में भी स्ट्रीट 42 में भी काम हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी एक साल का टाइम तो लगेगा इनको पोजेशन जो बैरी आपको हैंड ओवर करेगा इन विलास का। थ्री जी कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो इन विलास का काम कर रहे हैं। फिर हम स्ट्रीट नंबर 46 में इंटर होंगे, स्ट्रीट नंबर 42 से एग्ज़िट होके। स्ट्रीट नंबर 43 में इंटर होंगे अभी हम, मेरे राइट साइड पे 43 है इंटरेस्ट, और ये लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर विला नंबर 1 से लेकर 19 तक विलाज हैं और इसी तरह 20 से लेकर 32 तक विलाज हैं। ये भी ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं। अप्रोक्सीमेटली एक साल का टाइम तो अपने माइंड में रखें आप, इन स्ट्रीट्स में अगर विला बाय करने जा रहे हैं और एक साल के बाद ही यहाँ पे आप पोजेशन ले सकेंगे। इससे पहले बैरिया अगर दे दे तो वो बैरिया की काम के ऊपर है कि बैरिया 6 माह में भी आपको पोजेशन दे सकता है। अदरवाइज़ हम जो अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा रहे हैं ड्यूरेशन जो, वो तकरीबन 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लगेगा यहाँ पे रेडी फॉर पोजेशन विलास होने में। सर हम रोड 17 पे एग्ज़िट होंगे और हम इंटर होंगे फिर से स्ट्रीट नंबर 44 में। मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 44 है और स्ट्रीट नंबर 44 स्ट्रीट नंबर 14 को भी लिंक कर रही है। ये स्ट्रीट नंबर 44 के विलास है जो विला नंबर 1 से 20 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलास हैं और इसी तरह 21 से 37 तक विलास जो मेरे राइट साइड पे हैं, और इस स्ट्रीट में पार्क दिया गया है स्ट्रीट नंबर 44 में जो 20 नंबर विला है, और इसी तरह 19 नंबर विला जो कॉर्नर का विला है 20 और 19 नेक्स्ट टू कॉर्नर, ये पार्क फेसिंग विलाज हैं। इस तरह के मैं इंटर होते ही आपको बताया कि इसमें एक पार्क दिया गया है और इसी तरह कमर्शियल और जामा मस्जिद जो ऑपरेशन हो जाएगी वो जल्द। ये मेरे राइट साइड पे हम टर्न करेंगे तो स्ट्रीट नंबर 45A आ जाता है और ये सामने जो ओपन स्पेस छोड़ी गई है ये पार्क की स्पेस छोड़ी गई है
और हम इंटर होंगे यहाँ से, फिर राइट टर्न लेंगे तो स्ट्रीट नंबर 45 आ जाता है। मेरे लेफ्ट साइड पे विला नंबर 1 से 16 तक विलाज हैं, और इसी तरह राइट साइड पे 17 से 32 तक विलाज हैं। ये भी ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 साल का तो टाइम लगेगा इनको हैंड ओवर होने में। फिर एग्ज़िट करेंगे हम यहाँ से, तो रोड नंबर 17 पे एग्ज़िट करेंगे हम। ये सामने विलाज वही सेक्टर ए के विलाज हैं जिनमें फैमिलीज रह रही हैं। रोड नंबर 17 पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। रोड नंबर 17 से हम इंटर होंगे, लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम रोड नंबर 16 पे इंटर होंगे। मेरे लेफ्ट साइड पे जो विला नंबर, राइट पे जो है विला नंबर 29 है, लेफ्ट पे विला नंबर 30 है। तो विला नंबर रोड नंबर 16 में जैसे कि कुछ विलाज तैयार हैं। लेफ्ट पे जो विला नंबर 44 से 30 तक विलाज हैं, ये भी पार्क वाली स्ट्रीट ही कहलाएगी, रोड कहलाएगी। उसी तरह राइट साइड पे जो है विला नंबर 1 से लेकर 29 तक विलाज हैं। कुछ जो फ्रंट के कोई 8 या 6 विलाज हैं जो रोड नंबर 16 के हैं, वो तैयार हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। और इसी तरह ये रोड नंबर 16 लिंक करता है स्ट्रीट नंबर 45 को, इसी तरह स्ट्रीट नंबर 46 को, और इसी तरह एंड पे हम जहाँ पे एग्जिट होंगे अभी, तो वो रोड नंबर 15 है। ये रोड नंबर 16 के विलाज जो हैं वो 5 विलाज हैं, 5-6 विलाज जो तैयार हो चुके हैं तकरीबन। ये हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो रोड नंबर हम 15 पे आ जाएंगे। रोड नंबर 15 का विलाज रेडी फॉर पोजेशन है, और रोड नंबर 15 से जैसे बताइए सामने हमारे बिल्कुल चिनाब न्यू आ जाता है, और राइट टर्न करेंगे तो रोड नंबर 1 के विलाज आ जाएंगे। रोड नंबर 1 के विलाज सेक्टर ए में भी हमने विज़िट किए थे, अब ये सेक्टर सी चल रहा है। तो इसमें 865 नंबर विला कॉर्नर का है मेरे राइट साइड पे, और ये विला रोड नंबर 1 के जो हैं सेक्टर सी में आते हैं 36 से 65 तक। ये भी कोई 2-4 माह का मैक्सिमम टाइम हम लगा सकते हैं इसमें कि वैरियर पोजेशन आपको दे देगा। इसके गार्डन को मेंटेन किया जा रहा है, ये यहाँ पे वर्किंग हो रही है, बाकी केबल वगैरह भी बिछाई जा रही है। और ये तकरीबन ये वाले भी विलाज जो हैं आप कोई 4 माह के अंदर ये है कि आप रेडी फॉर पोजेशन होंगे विलाज, आप यहाँ पे फैमिली अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इन वीडियोस का बनाना और स्ट्रीट टूर करवाना बेसिकली हमारा मकसद था कि वो जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, या जो इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं, या अपने रेजिडेंस के लिए इन विलाज को बाय करना चाहते हैं, तो वो अब मतलब हम कोई भी चीज़ कोड करवाते हैं, कोई भी विला नंबर दिखाएंगे उन्हें, तो वो इन वीडियोस के ज़रिए सीधा जाके ख़ुद से ही विज़िट कर सकते हैं। पर्सनली वीडियो भी अगर कहेंगे तो हम उन्हें वीडियोस पर्सनली भी सेंड कर देंगे उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो अगर ख़ुद से वो विज़िट करना चाहें तो वो स्ट्रीट टूर कर सकते हैं इस वीडियो से ही। आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है अपने विला के हवाले से, या आपने बाइंग करनी है, इस वक्त बाइंग टाइम है, काफ़ी अट्रैक्टिव रेट मिल रहे हैं आपको, 350 यार्ड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आपको 350 यार्ड का विला मिल रहा है इस वक्त मार्केट में। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन और मालूमात के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर्स को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर। अल्लाह हाफिज़।